हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री का पेपर करेंगे। पार्ट टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे सेट बी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 40 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। राइट करेक्ट आंसर इन योर आंसर बुक। प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, हड़प्पा की खोज कब और किसने की? वो 1921 में दयाराम सहानी ने की। सेकंड क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो वे लोहे से अनभिज्ञ थे, यानी लोहा के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। थर्ड है, हड़प्पा संस्कृति के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो स्टूडेंट्स, वो था बाढ़, फ्लड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 2 बड़े नगरों के नाम लिखिए। तो वो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। साथ में मैंने कालीबंगा और लोथल भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो के घरों की कोई एक विशेषता बताइए। कि पक्की ईंटों के बने होते थे और ज़्यादातर घरों में आंगन होता था और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। क्वेश्चन 6 है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? तो स्टूडेंट्स, 16 थे, 16। क्वेश्चन 7 है, मौर्य शासक अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरिसेन कौन था? वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन वॉज ए पोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। क्वेश्चन 9, कोई एक सातवाहन राजा का नाम लिखिए। राइट एनी वन सातवाहनाज किंग। तो मैंने 2 लिख रखे हैं, सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन 10 है, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ मृच्छकटिकम? तो वो है शूद्रक, इंग्लिश में कहेंगे शूद्रका। क्वेश्चन 11 है, द्रौपदी के पिता का नाम क्या था? तो वो था द्रुपद। वट वॉज द नेम ऑफ फादर ऑफ द्रौपदी? द्रुपदा। क्वेश्चन 12, पुराणों का संस्कृत में संकलन कब हुआ था? वेन पुराणाज वर कंपाइल्ड इन संस्कृत, 600 ईस्वी पूर्व, यानी BC। खाली स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध वा सिद्धार्थ था। क्वेश्चन 14, अकॉर्डिंग टू बौद्ध लिटरेचर द डियरेस्ट डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धावाज सारी पुत्र। गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वो स्टूडेंट्स आनंद भी हो सकता है। इस आंसर को आप चेक कर लीजिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध के प्रिय शिष्य का आनंद थे, ये भी आंसर ठीक हो सकता है। नाउ क्वेश्चन 15, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र व्यक्ति के कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, वंश कर्मा। क्वेश्चन 16, 712 ईस्वी में आएगा इसका आंसर। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय किया था। इन 712 AD मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्योर्ड सिंध। और 17 है, जजिया एक प्रकार का डैश था जिसे मुस्लिम काल में लिया जाता था। स्टूडेंट्स, ये धार्मिक कर था। करेक्ट आंसर होगा धार्मिक। क्वेश्चन 18, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 19, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। करेक्ट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन 20, उलटबासी संत कबीर की रचना है। करेक्ट आंसर कबीर। क्वेश्चन 21, बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी गांव में हुआ था। करेक्ट आंसर है तलवंडी। क्वेश्चन 22, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 23, विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। करेक्ट आंसर है राय। क्वेश्चन 24, विजयनगर में हजार राम मंदिर एक राजकीय केंद्र था, ये एक आर्किटेक्चरल सेंटर भी कह सकते हैं इसको। सही विकल्प चुनिए, चूज करेक्ट आंसर, चूज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 25, विजयनगर के प्रथम शासक का नाम क्या था? तो स्टूडेंट्स, वो था हरिहर राय, ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 26, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो स्टूडेंट्स, वो लड़ा गया था 1565 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन 27 पर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था कृष्णदेव राय। क्वेश्चन 28, हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? वो थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी सही है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका जो है वो है 1765। फिर है क्वेश्चन 30, रैयत किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, रैयत किसान को कहा जाता है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 31, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अवध का शासक वाजिद अली शाह था, डी आंसर जो है वो राइट है। क्वेश्चन 32, भारत का प्रथम शहीद कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ इंडिया? मंगल पांडे, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन 33, 10 मई 1857 में किस सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ था? तो वो मेरठ में हुआ था, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन 34, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स, चौरी चौरा घटना हुई थी फरवरी 1922 में। नाउ क्वेश्चन 35, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की? तो स्टूडेंट्स, गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की थी साबरमती आश्रम से, ऑप्शन ए सही है। नाउ क्वेश्चन 36, पूना समझौता कब हुआ था? तो स्टूडेंट्स, पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, इन 1932 एडी। नाउ क्वेश्चन 37, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 38, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो स्टूडेंट्स, भारत की राष्ट्रीय भाषा इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि देर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो नन ऑफ देम, डी ऑप्शन करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 3 सूचियां हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 12 हिस्ट्री का सेट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।